ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी क्यों करते हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी करते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्ट किया आपने, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी कर ली। कितने तरह की होती है? चार हैं आपके पास, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, फील्ड ट्रायल है, कम्युनिटी ट्रायल्स हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था, हमारे पास ऑब्जर्वेशनल होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, उसके अंदर ऑब्जर्वेशनल के अंदर डिस्क्रिप्टिव होती है, एनालिटिकल होती है, और फिर एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल के अंदर चार तो मैंने आपको सारे के सारे ट्रायल्स ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो आपके पास होते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल एंड क्लिनिकल ट्रायल। अब अगर हम एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो हम इसमें डबल ब्लाइंडिंग करते हैं, मतलब कि जिस पे ये स्टडी हो रही है उनको भी नहीं पता होता है, और इनफैक्ट जो दूसरा होता है उसके बारे में भी जानकारी नहीं होती है कि भैया कौन कंट्रोल ग्रुप में है और कौन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। उसके बाद कुछ एथिकल इश्यूज भी उठते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में, कि जानवरों पर करना है कि नहीं करना है, ये अभी भी डिबेटेबल है। इंटरिम एनालिसिस, ये शब्द बहुत अच्छे से याद रखना, आगे भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में आएगा कि इंटरिम एनालिसिस हम एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में कर सकते हैं। ये रिलेटेड होता है कि भाई कुछ लोग छोड़ गए या उनको काउंट करना है कि नहीं, अभी आरसीटी में ये आएगा। फिर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल में सबसे मेन चीज़ याद रखना कि ये प्रोस्पेक्टिव है, हम समय से आगे जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड प्रोस्पेक्टिव होती है एक्सपेरिमेंटल ट्रायल। इसी के तहत एक और चीज़ होती है नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स मुख्यतः क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी तो हम कर रहे हैं मगर एकदम नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में कर रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं होता है कि कौन सब्जेक्ट को हम अलोकेट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में नेचुरली सब कुछ हो रहा है उसमें। नेचुरल सर्कमस्टेंसेस में हम ह्यूमन पॉपुलेशन में एक स्टडी को मिमिक करते हैं कि भाई इस पॉपुलेशन में ये लोग हैं, इन्हीं पे हम स्टडी कर रहे हैं। नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में फ़र्क बस इतना होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता कि हम किसको स्टडी सब्जेक्ट बनाएं, किसको कंट्रोल सब्जेक्ट बनाएं, कोई कंट्रोल हमारे हाथ में, रिसर्चर के हाथ में नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने इनफैक्ट देखा भी था कि जॉन स्नो जिसने कॉलरा पे स्टडी की थी, उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली नेचुरल एक्सपेरिमेंट था। किस किस पे आप कर सकते हो? आप माइग्रेटरी पॉपुलेशन पे कर सकते हो, आप रिलीजियस ग्रुप पे कर सकते हो, आप ऐसी पॉपुलेशन पे कर सकते हो जिस पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ हो या न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ हो, जैसे कि चेर्नोबिल हो गया या भोपाल गैस ट्रेजेडी हो सकती है। आपके पास बहुत सारी कोई भी पॉपुलेशन आप इसमें से उठा सकते हो और रैंडमली आप कर सकते हो कि भाई हम इन पे स्टडी कर रहे हैं, हमको जो भी मिलेगा उसी को हम देखेंगे। आपके हाथ में नहीं है कि आप किसी को बोलो कि भाई तुम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हो या तुम रिसर्च ग्रुप में हो, तुम स्टडी ग्रुप में हो, आपके हाथ में नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है एक्सपेरिमेंटल और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में। जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, चार नाम, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल एंड क्लिनिकल ट्रायल। डबल ब्लाइंडिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिव होता है ये, कॉलरा स्टडी जो की थी जॉन स्नो ने, दैट वाज अ नेचुरल एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्स की, तो थ्योरी में आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी में वेरी शॉर्ट नोट एक तो आ सकता है कि भाई इन्यूमरेट करो कि अलग अलग कौन से ट्रायल्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल ट्रायल, तो आपको चारों के नाम लिखने पड़ेंगे। आपको लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बोल दिया जाता है कि आप बताओ कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या होती हैं, फिर उनके आगे आरसीटी के फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में भी बताओ, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर मैं बात करूँ वाइवा की, तो वाइवा में पहली चीज़ तो यही पूछी जाती है कि भाई चारों ट्रायल्स के बारे में बता दो कि आरसीटी, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल या क्लिनिकल ट्रायल किस में आता है। एक वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन स्नो वाला जो था वो किस में था, तो दैट वाज नेचुरल एक्सपेरिमेंट के तहत जॉन स्नो था। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वाइवा में आपसे पूछी जाती है कि इसका नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, हम इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, हमने कोई इंटरवेंशन किया कि भाई इस चीज़ से बीमारी ठीक होती है, उसका कितना इफेक्ट हुआ वो चेक करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स का। तो थोड़ी सी ये चीज़ें जो आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में पता होनी चाहिए। उसी के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज़ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। याद रखना, ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आपको कभी ना कभी सेशनल में, पीयूज में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, कहीं ना कहीं तो आपको ये फंसेगा ही फंसेगा। और उसके अंदर भी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के अंदर भी आपको एक टॉपिक आता है, दैट इज़ रैंडमाइजेशन। इस पे भी आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलता है। तो शुरू करते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। सबसे पहली चीज़ आपको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में पता होनी चाहिए कि
गोल्ड स्टैंडर्ड्स होता है किसी भी क्लिनिकल रिसर्च का, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। कोई भी क्लिनिकल या क्लिनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड या क्लिनिक से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हो, उसका गोल्ड स्टैंडर्ड सबसे अच्छी चीज़ है, आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर दो। किस किस के लिए करते हैं, कोई नया प्रोग्राम आया है या कोई नई थेरेपी आई है उसको इवेल्युएट करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कर दो। ठीक है, इसमें ना हम बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं पॉपुलेशन के और फिर उसको कंपेयर करते हैं। हम रैंडमाइजेशन आगे पढ़ेंगे, एक स्टेप होती है इसकी, उसमें दोनों को कंपेरेबल बनाते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि ये डबल ब्लाइंडिंग करके हम इन्वेस्टिगेटर बायस पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर बायस क्या होता है कि भाई इन्वेस्टिगेटर को पता है कि ये हमारा केस ग्रुप है, ये हमारा कंट्रोल ग्रुप है, या इसको हमने दवाई दी है, इसको हमने प्लेसिबो दिया है, तो हमको पता है कि जिसको प्लेसिबो दिया है उसमें कोई इफेक्ट देखने ही नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा उस पर ध्यान ही नहीं देना। हम ये सारी चीज़ बायस में पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टिगेटर बायस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है क्योंकि इसमें ना रिसर्चर को ही नहीं पता होता है कि कौन सा कंट्रोल ग्रुप है और कौन सा हमारा स्टडी ग्रुप है। तो डबल ब्लाइंडिंग करते हैं इसमें, इनफैक्ट इसके आगे ट्रिपल ब्लाइंडिंग भी होती है, हम देखेंगे, ब्लाइंडिंग भी एक अलग टॉपिक है हमारा। उसके बाद सैंपल साइज़ किस पे डिपेंड करती है, सैंपल साइज़ डिपेंड करती है कि आपका हाइपोथेसिस क्या है और किस तरह की स्टडी आप करना चाहते हो, उसके बेसिस पे सैंपल साइज़ आप बड़ा या छोटा ले सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ड्रॉपआउट्स होते हैं जो कि जिन्होंने बीच में ही स्टडी को छोड़ दिया, उनको हम कभी भी एक्सक्लूड नहीं करते हैं स्टडी से। हाँ, हमें इसी वजह से हमारी स्टडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसी से रिलेटेड है कि इंटेंशन टू रिट्रीट एनालिसिस हम RCT में करते हैं, यह अभी आगे आएगा। तो ये शब्द याद रखना, इंटेंशन टू रिट्रीट एनालिसिस RCT में, एक्सपेरिमेंटल के अंदर भी हमने इस वर्ड को यूज़ किया था क्योंकि RCT के तहत ये आता है। तो थोड़ी सी जानकारी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल क्या होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, नई प्रोग्राम्स नए थेरेपीज़ के लिए अच्छा होता है, हम कंपैरेबल बनाते हैं रैंडमाइजेशन करके बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स से, उसके बाद स्टडी करते हैं, डबल ब्लाइंडिंग करते हैं तो इन्वेस्टिगेटर बायस नहीं होता है हमारे पास, सैंपल साइज डिपेंड करता है, हाइपोथेसिस और टाइप ऑफ स्टडी क्या है, ड्रॉपआउट्स को भी जो बीच में स्टडी छोड़ दिया या तो मर गया या तो माइग्रेट कर गया, इनको भी हम इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं करते हैं। अगर हम स्टेप्स की बात करें कि स्टेप्स क्या क्या होता है, याद है हमने केस कंट्रोल स्टडी में भी स्टेप्स पढ़े थे, कोहॉर्ट स्टडी में भी स्टेप्स पढ़े थे, ऐसे इसके 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप प्रोटोकॉल बना लोगे कि भाई हमको क्या करना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद आप दोनों पॉपुलेशन, एक आपकी रेफरेंस पॉपुलेशन होती है, एक एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रेफरेंस पॉपुलेशन, एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन की जो फाइंडिंग्स आएंगी उसको अप्लाई करेंगे रेफरेंस पॉपुलेशन में, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। फिर हम रैंडमाइजेशन करते हैं 3rd स्टेप में, 4th स्टेप में फिर हम मैनिपुलेट या इंटरवेंशन देते हैं, कोई दवाई ववाई देनी है तो वो 4th स्टेप में देते हैं, फिर 5वें स्टेप में हम फॉलो अप करते हैं कि दवाई दे दी, अब आगे उस पर क्या क्या चीज़ें देखने मिल रही हैं, और 6वें स्टेप में हम असेस करते हैं कि हमारा आउटकम क्या आया। तो 6 स्टेप, पहले प्रोटोकॉल बनाओ, उसके बाद पॉपुलेशन सेलेक्ट करो, फिर रैंडमाइजेशन, फिर इंटरवेंशन, फिर फॉलो अप, फिर असेसमेंट। तो ये थी आपकी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की स्टेप्स। अब सबसे पहली चीज़ देख लेते हैं कि भाई प्रोटोकॉल ड्राइंग अप, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। हमने अपनी एक जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या हम जो ट्रायल कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, उसकी सबसे पहले हम एम्स और ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, हमको ये चीज़ें करनी है, हमको ये चीज़ अचीव करनी है। उसके बाद हम सैंपल निकाल लेते हैं। सैंपल क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकते, तो उसका एक सैंपल निकाल लो और उस पर आप स्टडी कर लो, और वो स्टडी के जो रिजल्ट होंगे वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को नोट करेंगे कि ये पॉपुलेशन में है। ये हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे, सैम्पलिंग और डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग पर थोड़ी सी जानकारी कि सैम्पल होता क्या है। उसके बाद आप ये देखते हो कि भैया जो ट्रीटमेंट अप्लाई करना है वो कब करना है, कहाँ करना है, किस पे करना है, ये भी प्रोटोकॉल आप बना लेते हो। आपने क्या किया, आपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बना लिया, आपने सैंपल डिसाइड कर लिया, और उसके बाद आपने ये देख लिया कि जो ट्रीटमेंट वगैरह देना है वो कहाँ देना है, कब देना है और किसको देना है। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है। रेफरेंस पॉपुलेशन अलग रहेगी, एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन अलग रहेगी। रेफरेंस से टारगेट पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, टारगेट का मतलब क्या है। टारगेट पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आप जो ट्रायल कर रहे हो उसका जो रिजल्ट आएगा या उसकी जो फाइंडिंग आएगी, उस फाइंडिंग को आप अप्लाई करोगे इस पॉपुलेशन में। ऐसी पॉपुलेशन जिसमें जो हम ट्रायल कर रहे हैं उसकी फाइंडिंग्स को अप्लाई किया जाएगा, दैट इज रेफरेंस या टारगेट पॉपुलेशन।
अब ये ज्योग्राफिकली लिमिटेड भी होती है कि आपने एक शहर में कर लिया, आपने एक स्टेट में कर लिया, आपने एक देश में कर लिया, या फिर आपने एक स्पेसिफिक एज ग्रुप ले लिया, या एक सेक्स ले लिया, मेल या फीमेल, या फिर आपने एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन डिसाइड कर लिया, या आपने एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप डिसाइड कर लिया कि भाई हम हाई क्लास या लोअर क्लास किसी एक क्लास में करेंगे वो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने ज्योग्राफिकल लिमिटेशन रखा है या पर्सनल लिमिटेशन रखा है। मतलब समझ में आना चाहिए, रेफरेंस से टारगेट पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। मतलब सिंपल सा है, आप जो ट्रायल कर रहे हो वो ट्रायल की जो फाइंडिंग्स आएंगी, उस फाइंडिंग्स को, अगर अच्छी फाइंडिंग आएंगी तभी, बुरी आएंगी तो क्यों अप्लाई करोगे, तो अच्छी फाइंडिंग आएंगी उनको आप अप्लाई जिस पॉपुलेशन में करोगे, दैट इज रेफरेंस पॉपुलेशन और टारगेट पॉपुलेशन। तो एक तरह से कंट्रोल ग्रुप हो जाता है ये। तो एक्सपेरिमेंटल और स्टडी पॉपुलेशन क्या होगी, ये एक्चुअल पॉपुलेशन है आपकी, ये एक्चुअल पॉपुलेशन है जिस पे आप स्टडी करोगे, फिर वो स्टडी करोगे, उसके बाद आपको स्टडी की फाइंडिंग्स आएंगी, उस फाइंडिंग को आप अपने टारगेट या रेफरेंस पॉपुलेशन में अप्लाई करोगे। समझ में आया, आप जो स्टडी कर रहे हो वो आप एक्चुअल पॉपुलेशन दैट इज एक्सपेरिमेंटल या स्टडी पॉपुलेशन पे कर रहे हो, इस स्टडी से जो फाइंडिंग आ रही हैं उन फाइंडिंग्स को आप अप्लाई कर रहे हो टारगेट या रेफरेंस पॉपुलेशन में। दोनों में फ़र्क समझ में आया, एक्सपेरिमेंटल या स्टडी पॉपुलेशन एक्चुअल पॉपुलेशन जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, जिन पे हम ट्रायल कर रहे हैं, रेफरेंस पॉपुलेशन हमारी स्टडी का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट को अप्लाई। फॉर एग्जांपल हमने एक दवाई ली कि ये दवाई कोरोना से लोगों को ठीक कर देती है, तो वो जो मेडिसिन या हम वो जो वैक्सीन अप्लाई करेंगे वो हम अपने स्टडी पॉपुलेशन पे करेंगे कि क्या ये वैक्सीन कारगर है नहीं है। अगर अच्छी फाइंडिंग आ गई, कारगर साबित हुई, तो वो जो फाइंडिंग्स आएंगी, अब वो अच्छी वैक्सीन्स जो हैं वो हम टारगेट पर, कुछ वैक्सीन हो सकती हैं जो ख़राब हो, जो अच्छे रिजल्ट ना दें, वो भी हम स्टडी पॉपुलेशन पे ही करेंगे। सब कुछ, सारा जो भजड़ मचेगी वो एक्सपेरिमेंटल या स्टडी पॉपुलेशन पे ही मचेगी। टारगेट पॉपुलेशन या रेफरेंस पॉपुलेशन एकदम सेफ होती है, अच्छी फाइंडिंग्स का ही हम पे इस्तेमाल होगा, खत्म बात। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए रेफरेंस पॉपुलेशन और एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन में। हाँ, ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन है ये उसी रेफरेंस पॉपुलेशन से ही उठाई जाएगी। वो जो हमने बताया कि सैम्पलिंग करते हैं हम, ये पूरी की पूरी आपकी रेफरेंस पॉपुलेशन हो गई। इसमें से आपने पिज्ज़ा का एक टुकड़ा उठा लिया, दैट इज़ आपने एक सैम्पल उठा लिया और इस पर स्टडी की, तो ये जो सैम्पल है ये इसी पॉपुलेशन का तो हिस्सा है। फिर इस पर जो फाइंडिंग अच्छी आएंगी, अच्छा रिजल्ट दिया, तो आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन पर उस फाइंडिंग को करोगे। सिंपल। फिर आता है कि पर्पस, मेन पर्पस जो होता है आपका कंट्रोल ग्रुप का, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भैया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तो है, रेफरेंस ग्रुप है क्यों? तो हमारा जो मेन पर्पस है, यही जो कंट्रोल ग्रुप है या रेफरेंस ग्रुप है या टारगेट ग्रुप है, उसका मेन पर्पस है कि वो आपको कोई अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन अगर मिल रहा है उसको भी हेल्प करता है कि कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा है ये सारी चीज़, ये सारी भसड़ ना मचे, इसलिए आप कंट्रोल ग्रुप रखते हो कि हाँ भाई हमारे पास जो अच्छा वाला ग्रुप है उस पर हमने करके देखा, तो जो हमको रिजल्ट आए थे वही सारे रिजल्ट अच्छे से इसमें मिल रहे हैं। मेन पर्पस कंट्रोल ग्रुप का यही होता है, उस पर आपको प्रीपीजी में क्वेश्चन भी आया हुआ है। थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या है, रैंडमली आपने इक्वली सब कुछ कर दिया, मतलब एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप अलॉट किए जाते हैं। जो हमने देखा कि भाई स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो आपने अलॉट कर दिया है, आपने ग्रुप अलॉट कर दिया और उसके बाद आपने डिसाइड कर दिया कि एक ग्रुप को इंटरवेंशन मिलेगा और एक ग्रुप को इंटरवेंशन नहीं मिलेगा। तो आपने स्टैटिस्टिकली पूरा का पूरा एक पॉपुलेशन थी उसको डिवाइड किया, उसके डिवाइड करके आपने सबको इक्वल चांस था कंट्रोल ग्रुप या स्टडी ग्रुप में जाने का। कैसे करते हैं रैंडमाइजेशन, आपके पास जो पेशेंट्स हैं या लोग हैं आपने उनको डिवाइड कर दिया, एक को भेज दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, एक को भेज दिया रेफरेंस ग्रुप में। रैंडमाइजेशन याद रखना, हार्ट दिल होता है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का, हार्ट ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इज रैंडमाइजेशन। कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, आपने सबकी लिस्ट बनाई सारी पॉपुलेशन की, उसके बाद रैंडम कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स लिए, उन रैंडम नंबर्स को इक्वली डिवाइड करके एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भेज दिया, एक को रेफरेंस ग्रुप में भेज दिया। सिंपल। यहाँ याद रखना, यहाँ पे आपने सिर्फ ये डिसाइड किया है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपने रेफरेंस और एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपने बनाई है कि भाई टारगेट पॉपुलेशन है, एक्सपेरिमेंटल है,
उसके बाद यहाँ पे आपने जो रैंडमाइजेशन किया उसमें इक्वली बांटा कि भाई तुम स्टडी ग्रुप में जा रहे हो और तुम या तुम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जा रहे हो, तुम रेफरेंस ग्रुप में जा रहे हो। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है। वायु में पूछा जाता है इक्वल और नोन चांस कि सबको इक्वल अमाउंट ऑफ चांस है कि रैंडम कंट्रोल ग्रुप में जाने का या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाने का। सबके पास इक्वल चांस होता है, कोई यहाँ पे बायस नहीं होता कि भाई तू मेरा दोस्त नहीं है तू कंट्रोल ग्रुप में जाएगा, तू मेरा दोस्त है तू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, आप उन दोस्ती निभाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे रैंडमाइजेशन होता है, इक्वल चांसेस सबके पास होते हैं। इसीलिए रैंडमाइजेशन बहुत अच्छा होता है कन्फाउंडिंग को रिमूव करने के लिए या बायस को रिमूव करने के लिए। कन्फाउंडिंग और बायस ये अलग टॉपिक हैं, हम बताएंगे। बायस में आप बायस हो जाते हो किसी के प्रति, फॉर एग्जांपल कि ये प्लेयर अच्छा खेलता नहीं है लेकिन इसको मैं टीम में रखूंगा क्योंकि ये तो मेरा दोस्त है, बायस हो गए आप। कन्फाउंडिंग फैक्टर्स एकदम अलग ही होता है। दारू की वजह से लीवर ख़राब होता है लेकिन दारू के साथ चखना खाते हैं, चखना भी लीवर ख़राब कर सकता है। तो चखना इज़ द कन्फाउंडिंग फैक्टर जो कि दारू से भी एसोसिएटेड है और लीवर डिजीज से भी एसोसिएटेड है। कन्फाउंडिंग हम अच्छे से समझेंगे, बस कन्फाउंडिंग के बारे में थोड़ा सा बता दिया। तो रैंडमाइजेशन अच्छा होता है क्योंकि ये कन्फाउंडिंग और बायस दोनों को ही रिमूव करता है। और कन्फाउंडिंग कौन सी, तो नोन और अननोन कन्फाउंडिंग फैक्टर्स सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है दोनों ग्रुप में रैंडमाइजेशन, और इस तरह से आपको पूरी तरह से नलिफाई कर देता है कन्फाउंडिंग इफेक्ट्स को। कन्फाउंडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं ये हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। रैंडमाइजेशन के बारे में समझ लो कि ये कन्फाउंडिंग और बायस दोनों को रिमूव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्फाउंडिंग और बायस दोनों को रिमूव करने के लिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं। तो हमने रैंडमाइजेशन में क्या देखा, रैंडमाइजेशन में हमने देखा कि भाई ये हार्ट ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, इसमें हम करते क्या हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको आधों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आधों को रेफरेंस ग्रुप में डाल देते हैं, कैसे हम कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इक्वल चांस हो सबको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप में जाने के लिए। रैंडमाइजेशन बेहतर क्यों होता है, क्योंकि ये कन्फाउंडिंग और बायस दोनों को हटा देता है। अब मेन पर्पस क्या होता है रैंडमाइजेशन का, याद रखना। रैंडमाइजेशन पे अलग से शॉर्ट नोट वाइज शॉर्ट नोट आता है इसलिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा इसको पढ़ना पड़ेगा। मेन पर्पस क्या है रैंडमाइजेशन का, मेन पर्पस है कि जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं या जो बायस हैं इनको हमको रिमूव करना है और पार्टिसिपेंट्स के पास इक्वल चांस हो कि दोनों ग्रुप में जाने का। सिलेक्शन बायस हटा दिया क्यों, क्योंकि हमने ब्लाइंडिंग भी कर दी थी, रैंडमाइजेशन कर दिया है तो हमको ही नहीं पता कि भाई कौन सा कंट्रोल है कौन सा अपना केसेस वाला है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। सबसे मुख्य पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे रैंडमाइजेशन का सबसे मुख्य पॉइंट, तो बताना कि सर दोनों ग्रुप एक दूसरे से कंपैरेबल बनाने के लिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं, दोनों ग्रुप को एक दूसरे से कंपैरेबल। क्योंकि आप दो ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हो और एक ग्रुप एकदम हाइपर टाइप का होगा, एकदम बहुत बीमारियां पाई जाती हैं, बहुत ही अलग ग्रुप है दूसरे ग्रुप से, तो आपकी फाइंडिंग्स भी ख़राब होंगी। तो आपको दो ऐसे ग्रुप चाहिए जो लगभग एक से हों, इसीलिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं कि एक पॉपुलेशन है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं उसमें कुछ होंगे जो बहुत ही अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एकदम माइनर 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 कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे। तो ऐसा ना हो जाए ना कि सारे बुरे वाले एक तरफ आ जाएं, सारे अच्छे वाले एक तरफ आ जाएं, नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं रैंडमाइजेशन, एक मिक्स्ड ग्रुप एक में जाएगा, मिक्स्ड ग्रुप अच्छे बुरे दोनों इक्वली आपको फैक्टर्स या वेरिएबल्स अच्छे बुरे दोनों ग्रुप में चले जाएंगे, इसीलिए हम रैंडमाइजेशन करते हैं। और इसीलिए दोनों ग्रुप जो हैं वो कंपेरेबल बन जाएंगे क्योंकि इक्वली दोनों में अच्छे बुरे फैक्टर्स या कहना चाहिए कि वेरिएबल्स जो अच्छे बुरे हैं वो दोनों ग्रुप में चले गए हैं, इसलिए कंपेरेबल। ये वर्ड याद रखना वाइवा के लिए बहुत है, वही नीचे लिखा है कि रैंडमाइजेशन क्यों करते हैं, टू इंश्योर दैट द स्टडी ग्रुप्स आर कंपेरेबल ऑन बेसलाइन कैरेक्टर्स, क्योंकि हमने रैंडमाइजेशन, हमको ही नहीं पता कौन किस में गया है। उसके बाद या फिर आप सिमिलर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर भी डाल सकते हो कि भाई दोनों को ही चांसेस हों अच्छे से ठीक होने के लिए। इसलिए ब्लाइंडिंग हम पहले भी बोल चुके हैं कि ब्लाइंडिंग हम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंटरनल वैलिडिटी को बढ़ा देता है आपकी स्टडी को। अभी आपके दिमाग में बस इतना जान लो कि वैलिडिटी जो होती है आपकी स्टडी की वो अच्छी हो जाती है। इंटरनल वैलिडिटी वो एक्चुअली जो हमारा चैप्टर है स्क्रीनिंग फॉर डिजीजेज उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई वैलिडिटी क्या होती है। तो अभी सिर्फ समझ लो कि भाई वैलिडिटी को अच्छा कर देता है, इंटरनल वैलिडिटी को।
तो रैंडमाइजेशन हमने देख लिया कि क्या होता है, हार्ट ऑफ द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, रैंडम नंबर दे दो, इक्वली सबके पास चांस है दोनों ग्रुप में जाने का, रैंडमाइजेशन कन्फाउंडिंग और बायस दोनों को हटा देता है, दोनों के यहाँ पे पर्पस जो लिखा है वो वही है जो ऊपर लिखा हुआ है कि कंपेरेबिलिटी अच्छी कर देता है, वैलिडिटी अच्छी कर देता है, इक्वल चांस होता है, बायस हटा देता है। इसके बाद ना थोड़ा सा रैंडमाइजेशन के बारे में एक छोटी सी पॉइंट है, दैट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन क्या होता है। स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन जो होता है ना वो क्यों किया जाता है कि दोनों ग्रुप लगभग एक समान हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ना पहले दोनों ग्रुप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, जैसे कि आपके पास एक ये ग्रुप है एक ये ग्रुप है, आप रैंडमाइजेशन तो कर रहे हो, आप उसमें भी टुकड़ों टुकड़ों, स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन, एक ग्रुप है जो स्मोकिंग करता है इसमें, तो इसमें से भी एक ग्रुप ले लो जो सिर्फ स्मोकिंग करता है, तो आपके पास दो ग्रुप हो गए, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा जो स्मोकर्स हैं, एक छोटा सा टुकड़ा जो स्मोकर्स हैं, इस एक छोटा सा टुकड़ा जो दारू पीते हैं, इसमें से भी एक छोटा सा टुकड़ा जो दारू पीते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा जो कि कोई भी ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इसमें भी एक छोटा सा टुकड़ा जो ड्रग्स लेते हैं। तो आपने ना स्ट्रैटिफाइड, आपने छोटे छोटे स्ट्रैटा बनाए और उन छोटे छोटे स्ट्रैटा में रैंडमाइजेशन कर दिया, उन छोटे छोटे टुकड़ों को लिया, फिर उनमें से ग्रुप लिए, इक्वली दोनों ग्रुपों में बांट दिए दोनों पॉपुलेशन में, तो ये स्ट्रैटिफाइड रैंडमाइजेशन होता है। तो अगर आपसे कोई वाइवा में पूछता है तो आपसे समझाते आना चाहिए कि आपने पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जो कि आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं उनको, उसके बाद उन वेरिएबल के बेसिस पे छोटे छोटे स्ट्रेटा के बीच में आपने रैंडमाइजेशन किया, सिंपल। तो ये था आपका रैंडमाइजेशन, और इस पर आपको अलग से वेरी शॉर्ट नोट या शॉर्ट नोट आता है तो पता होना चाहिए। उसके बाद आता है मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन। मैनिपुलेशन या इंटरवेंशन क्या होता है कि भाई आपने ग्रुप बना दिए हैं दोनों, अब आप क्या करोगे, या तो आप अप्लाई करोगे या रिमूव करोगे कॉस्ट इफेक्ट, अप्लाई करोगे यानी कि आपके पास कोई ड्रग है या वैक्सीन है उसको आप अप्लाई करोगे, फिर देखोगे जिनको आपने ड्रग दी उनमें कैसा रिजल्ट मिला, जिनको ड्रग नहीं दी उनमें कैसा रिजल्ट, रिमूव क्या करोगे भाई कोई हैबिट्स हैं जैसे कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, तो एक ग्रुप को आपने बोला आप स्मोकिंग करते रहो करते रहो करते रहो, मारो जो हमें नहीं मतलब, दूसरे ग्रुप को आपने बोल दिया नहीं 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 आप स्मोकिंग मत करो मत करो मत करो, तो आपने रिमूव कर दिया पॉजिटिव फैक्टर। तो या तो आप अप्लाई कर सकते हो या तो आप रिमूव कर सकते हो पॉजिटिव फैक्टर्स, और फिर आगे देखोगे कि बीमार होंगे कि नहीं होंगे। फिर अगली स्टेप होती है फॉलोअप, आपने सब ये सब कर दिया, उसके बाद फॉलोअप समय समय पे जाके एग्जामिनेशन करते रहो दोनों ग्रुप का करना, एक्सपेरिमेंटल भी और कंट्रोल भी, वरना कंट्रोल ग्रुप को पता चला अच्छा भैया हम तो कंट्रोल ग्रुप हैं हमारा तो एग्जामिनेशन ही नहीं किया पक्के से हम कंट्रोल ग्रुप हैं, लेकिन अगर आप दोनों का ही एग्जामिनेशन समय समय पे करते रहोगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कौन सा एक्सपेरिमेंटल है कौन सा कंट्रोल ग्रुप है, तो समय समय पे दोनों ग्रुप का एग्जामिनेशन आप करते रहो एक डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम में, दोनों का इक्वली 6 महीने में इसमें तो 6 महीने में उसमें भी वही लिखा है इक्वल इंटेंसिटी से और सेम सर्कमस्टेंसेस है, इनका ठंड में जाके एग्जामिनेशन कर रहे हो तो उनका भी ठंड में एग्जामिनेशन करो। तो ये होता है आपका कि समय समय पे आपको फॉलोअप उनका करते रहना है। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो बीच में ही स्टडी को छोड़ के चले जाते हैं, इसको कहते हैं लॉस टू फॉलोअप, बहुत सारी स्टडीज़ में देखने मिलता है, मेरी थीसिस में भी मेरे को मिला था। लॉस टू फॉलोअप का मतलब क्या होता है, लॉस टू फॉलोअप का मतलब होता है किन्हीं वजहों से वो स्टडी को छोड़ के चला गया या चली गई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, या तो भाई मर गया अपना और मर गया उसके बाद भी हम कब्र पे जाके भाई उठो यार नहीं हमको हमारी स्टडी में तुम हो तुमको तो रहना ही पड़ेगा तुम मर नहीं सकते, ऐसा नहीं होता, लॉस टू फॉलोअप हो गया है तो हो गया। या माइग्रेट, कोई बंदी थी हमारी स्टडी में, एक गांव में हम स्टडी कर रहे थे, बंदी थी, अब बंदी की शादी हो गई ससुराल चली गई, हम नहीं तुम चलो मायके, हमारी स्टडी में तो तुम हो तुमको तो कहीं नहीं जाने देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, लॉस टू फॉलोअप अलाउ होता है। या लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया किसी का कि भाई हमको नहीं करना स्टडी तुम्हारी बहुत लंबी स्टडी है हम बोर हो गए हम तो छोड़ के जा रहे हैं, उसके पास पूरा हक है, ऐसा नहीं कि तुम चाकू रख दो उसके गले पे, नहीं भैया तुमको तो हमारी स्टडी में रहना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एट्रिशन का मतलब ये होता है कि कुछ लॉस टू फॉलोअप होता है, वो इनएविटेबल है, जो अपना वो थैनोस बोलता था ना आई एम इनएविटेबल, उसी टाइप का इनएविटेबल ही है वो कि भाई इसका हम कछु नहीं कर सकते। तो एट्रिशन याद रखना, ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एट्रिशन का मतलब क्या होता है कि कुछ लॉस टू फॉलोअप इनएविटेबल है कुछ फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि डेथ माइग्रेशन लॉस ऑफ इंटरेस्ट, तो वो तो अलाउ होता है।
उसके बाद हम आउटकम को असेस करते हैं। आउटकम को असेस करने के लिए हमारे पास दोनों तरह के आउटकम के लिए हमको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए भी और नेगेटिव। पॉजिटिव रिजल्ट्स कि भैया आपको ने कोई ड्रग व्रग यूज़ की थी तो उस बीमारी का इंसिडेंस कम हो गया या सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ कम हो गई। कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं कि भैया आपको उस आपने कोई ड्रग दी थी उसके खूब सारे साइड इफ़ेक्ट्स मिलने लगे, कॉम्प्लिकेशंस मिलने लगे, जो कि अभी कोरोना की वैक्सीन में मिल भी रहा होगा। कुछ में अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि बीमारी कम होने लगी, कुछ के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलने लगे, कॉम्प्लिकेशंस मिलने लगे, तो उन वैक्सीन को हटा भी रहे हैं। तो ये थी आपकी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल की 6 स्टेप्स। तो आपने ये भी देख लिया कि भाई स्टेप्स क्या होता है, कैसे होता है। एक बहुत मुख्य चीज़ है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में, दैट इज स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन में आपके पास 2 स्टडी डिज़ाइन हैं, कॉन्करेंट या जिसको पैरेलल स्टडी, ये शब्द याद रखना, एक है पैरेलल स्टडी, एक है क्रॉसओवर स्टडी। ये 2 नाम, दैट इज पैरेलल स्टडी और क्रॉसओवर स्टडी, ये 2 नाम याद रखना। क्या होता है, बहुत सिंपल है, पैरेलल स्टडी कुछ नहीं है। आपने पैरेलल स्टडी स्टार्ट की, पॉपुलेशन ली, उसके बाद आपने उनके बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, उसके बाद वही जो हमने कहा था रैंडमाइजेशन किया, आपने 2 ग्रुप में बांट दिया, फिर एक ग्रुप को आपने प्लेसिबो, प्लेसिबो का मतलब होता है दवाई जैसी दिखने वाली चीज़ लेकिन उसमें दवाई नहीं होती है, जिससे कि उनको धोखा देना कि भाई आपको दवाई दी जा रही हो, रहता कछु नहीं है उसमें। लेकिन दूसरे ग्रुप को आपने ड्रग दी, ये ड्रग किसको देंगे, ये ड्रग देंगे हम उसको, वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को आपने ड्रग देते हैं, जबकि जो रेफरेंस ग्रुप है उसको आप प्लेसिबो देते हैं। ये सिंपल स्टडी है, पैरेलल स्टडी डिज़ाइन में कुछ नहीं है। जो सारी स्टडी में होता है वही है कि आपने बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक ले लिए, फिर रैंडमाइजेशन करके 2 लोगों को 2 अलग अलग ग्रुप में इक्वली बांट दिया, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको आपने दवाई दे दी, जो आपका रेफरेंस ग्रुप था उसको आपने दवाई जैसी दिखने वाली चीज़ दे दी, जिसको प्लेसिबो बोलते हैं, जिसमें दवाई नहीं होती। उनको थोड़ी पता कि उनको दवाई दी कि नहीं, उनको तो बस एक गोली दी है, ख़त्म। तो ये तो सिंपल स्टडी है, आपके पास 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप में से आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको आपने ड्रग दे दी, आपका जो रेफरेंस ग्रुप है उसको आपने प्लेसिबो दे दी। इसमें कोई भी तामझाम वाली चीज़ नहीं है। तामझाम वाली चीज़ दूसरे में है, जो क्रॉसओवर टाइप स्टडी होती है ना, शुरुआत तो वैसी होती है। इसमें याद रखना पेशेंट अपना ही खुद का कंट्रोल होता है। इसमें हमारे पास कंट्रोल ग्रुप अलग था और पेशेंट वाला ग्रुप अलग था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना अलग, पेशेंट अपना ही कंट्रोल है। कैसे, हम शुरुआत तो वही करते हैं कि हमने स्टडी ग्रुप लिया, स्टडी ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट दिया, कंट्रोल ग्रुप जो है हमारा उसको हमने प्लेसिबो दिया, वही जो हम नॉर्मल अभी तक कर रहे थे। मगर फिर थोड़े समय बाद हम ट्रीटमेंट और प्लेसिबो देना रोक देते हैं, हम पेशेंट को दवाई नहीं देंगे और हमारे जो कंट्रोल ग्रुप हैं उनको हम प्लेसिबो भी नहीं देंगे, और ये थोड़े समय तक हम रोक देते हैं, जिससे कि कैरी ओवर इफ़ेक्ट्स जो होता है वो भी ख़त्म हो जाए। हमने थोड़े समय तक, हमने 6 महीने तक एक ग्रुप को दवाइयाँ दी। हमारे पास हमने कैसे किया क्रॉसओवर स्टडी में हमने एक पॉपुलेशन ली, उनके बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने उनका रैंडमाइजेशन करके 2 अलग अलग ग्रुप में बांटा। हमारा जो एक ग्रुप था उसको हमने दवाइयाँ दी, दूसरा ग्रुप जो था उसको प्लेसिबो दी, यानी कि दवाई जैसे दिखने वाली चीज़ जिसमें दवाई नहीं होती। उसके बाद हमारे पास फिर थोड़े समय बाद हमने उसको दवाई देना, दोनों को, एक को प्लेसिबो दूसरों को दवाई देना हमने रोक दिया। फिर थोड़े समय तक हमने कुछ भी नहीं दिया दोनों को, ना प्लेसिबो दिया ना ड्रग दिया। ये जो पीरियड है ये होता है आपका कैरी ओवर इफेक्ट के लिए। कैरी ओवर इफेक्ट क्या होता है, हो सकता है ये जो ड्रग का जो इफ़ेक्ट हो वो थोड़े लंबे समय तक चलता रहता हो, तो ये इफ़ेक्ट भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ये एकदम वैसे ही हो जाए जैसे शुरुआत की स्टडी में थे, तो कैरी ओवर इफेक्ट या वॉश आउट पीरियड कहते हैं इसको, कि जितना भी इफ़ेक्ट था बीमार दवाई का वो भी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। तो जब ये ख़त्म हो गया आपका वॉश आउट पीरियड या कैरी ओवर इफेक्ट, उसके बाद जो हमारा, जिसको हम ड्रग दे रहे थे अब उसको हम प्लेसिबो देने लगेंगे, और जिसको हम प्लेसिबो दे रहे थे उसको हम ड्रग देने लगेंगे। यानी कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था वो अब कंट्रोल ग्रुप बन जाएगा, जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बन जाएगा। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों ग्रुप को आपने स्विच कर दिया, जिस वजह से जो हमने शुरुआत की थी कि पेशेंट अपने ही कंट्रोल होते हैं, आधी आधी स्टडी में उनको दवाई दी जाती है, बाकी आधी स्टडी में उनको प्लेसिबो दिया जाता है। ऐसे ही जो दूसरे होते हैं, आधी स्टडी में उनको प्लेसिबो और आधी स्टडी में उनको ड्रग्स दिया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनको पहले ट्रीटमेंट मिला था उनको अब प्लेसिबो दे दो, जिनको पहले प्लेसिबो दिया था उनको अब ट्रीटमेंट दे दो। तो ये है आपकी क्रॉस हो गया ना, ये इधर ये आपका क्रॉस बन गया, क्रॉसओवर स्टडी। जो पहले ड्रग दे रहे थे उसको अब प्लेसिबो दे रहे हैं, जिनको पहले प्लेसिबो दे रहे थे उनको अब ड्रग दे रहे हैं।
तो दैट्स वाई क्रॉसओवर स्टडी डिज़ाइन कहते हैं इसको। वही लिखा है कि दोनों ग्रुप अपने ही पहले एक्सपोज होते हैं दवाई के लिए, फिर नॉन एक्सपोज ग्रुप में भी आ जाते हैं। वही लिखा है कि भाई केसेस अपने ही कंट्रोल होते हैं, केसेस अपने ही कंट्रोल होते हैं, और इसके इसी वजह से हमको ना एथिकल इश्यूज नहीं मिलते हैं। मतलब वो जो महिला मोर्चा वाले आ जाते हैं ना कि आपने इनको दवाई दी, इनको दवाई नहीं दी, ये तो गलत किया, नहीं हमने तो दोनों को दवाई दी और दोनों को दवाई नहीं दी, दैट इज़ क्रॉसओवर स्टडी। तो एथिकल कंसर्न्स भी इसमें ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद कुछ आखिरी चीज़ हम देख लेते हैं कि भैया वही जो इंटेंशन ऑफ ट्रायल्स था उसमें यही कहा गया है कि अगर लॉस्ट टू फॉलोअप होता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अगर कोई स्टडी की है और उसमें आपको लॉस्ट टू फॉलोअप देखने, लॉस्ट टू फॉलोअप देखने को मिलता है। मतलब क्या था कि बीच में ही स्टडी अगर छोड़ दी तो भी, या फिर चेंज ओवर हो गया कि भाई स्टडी सब्जेक्ट्स आपके चेंज हो गए या एक से दूसरे ग्रुप में चले गए तो भी आपको गेरेंज नहीं होता है, दैट इज़ आपका लॉस टू फॉलोअप का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसमें याद रखना, शुरू से लेकर आखिरी तक हम समझते जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ आरसीटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ कुछ आखिरी में कि टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप्स ऑफ आरसीटी कौन कौन से हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स कोई नई दवाई आई है, कोई नई ड्रग आई है तो उसको आपने, या कोई नई थेरेपी आई है तो उसके लिए आप क्लिनिकल ट्रायल करते हो और देखते हो कि कैसा है वो उस बीमारी के लिए, जैसे कि एस्पिरिन कैसी है कार्डियोवास्कुलर मोर्टैलिटी को कम करने के लिए, ये इसका एक एग्जांपल है। प्रिवेंटिव ट्रायल्स में क्या होता है, प्रिवेंटिव ट्रायल्स में आप प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर्स कोई नई आई हैं तो उनको, जैसे कि कोई नई वैक्सीन आई है या कीमो प्रोफाइलेक्टिक ड्रग आई है तो उसको आप देखोगे कि भाई ये बीमारी से बचाती है कि नहीं। रिस्क फैक्टर ट्रायल क्या होता है कि आपको पता है कि किसी एक रिस्क फैक्टर की वजह से बीमारी होती है तो आपने क्या किया कि उस रिस्क फैक्टर के यूजुअल अकरेंस या उस सीक्वेंस को आपने इंटरप्ट कर दिया और उस रिस्क फैक्टर को हटा दिया, फिर आप देखते हो कि डिजीज़ हुई कि नहीं हुई। आप जो रिस्क फैक्टर है उसको आप हटा देते हो, फिर देखते हो कि पॉपुलेशन में बीमारी हुई कि नहीं, दैट इज़ रिस्क फैक्टर ट्रायल। इसके एग्जाम्पल के तौर पर वाइवा के लिए याद रखना, मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशन ट्रायल। उसके अलावा होता है कैसेशन एक्सपेरिमेंट्स। कैसेशन एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि भैया आपने जो कोई हैबिट है, आपने कोई हैबिट जो है, फॉर एग्जांपल सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है तो आपने उस हैबिट को ही हटा दिया, आपने उस हैबिट को ही हटा दिया, उसके बाद देखा कि क्या उस हैबिट को हटाने से बीमारी कम हुई कि नहीं हुई, दैट इज़ कि आपका सेजेशन एक्सपेरिमेंट। उसके अलावा एटियोलॉजिकल एजेंट्स के ट्रायल भी होता है कि आपने या तो कंफर्म कर दिया या तो रिफ्यूज़ कर दिया एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस को, कि आपने कहा कि इस चीज़ को खाने से बीमारी होती है तो आपने इसका, या तो आप उसको बोलोगे कि हाँ, आप इसको कंफर्म कर दोगे कि हाँ भाई इसी वजह से बीमारी हुई है, आपका हाइपोथेसिस सही है, या आपने रिफ्यूज़ कर दोगे कि नहीं नहीं इससे बीमारी नहीं होती। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपने एक ट्रायल किया था कि रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया जो होता है वो आगे जाके ब्लाइंडनेस कराता है, ये एक तरह की आपने इटियोलॉजिकल एजेंट था आपके पास जिसकी वजह से आपको बीमारी हो रही है, दैट इज़ ट्रायल ऑफ इटियोलॉजिकल एजेंट। उसके अलावा एक और होता है इवेल्युएशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज करने के लिए भी मदद करता है कि भाई आप एफिशिएंसी चेक कर सकते हो अलग अलग हेल्थ सर्विसेज की। इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज़ हेल्थ सर्विसेज रिसर्च स्टडीज़। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप्स ऑफ आरसीटी कौन कौन सी हैं। तो हमने आरसीटी और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ देखी। अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो हमने थ्योरी में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल आता ही आता है, जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं यहाँ पे वो सारे के सारे आपके MCQs अलग अलग PG एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि भाई स्टेप्स बताओ, तो स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि स्टेप्स रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के क्या होते हैं। उसके अलावा रैंडमाइजेशन के बारे में आपको वाइवा में पूछा जाता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन आपसे पूछा जाता है, आपसे वाइवा में पूछा जाता है हार्ट ऑफ RCT क्या है। उसके बाद आपसे स्टडी डिज़ाइन वाइवा में कई बार पूछा जाता है तो आपको वाइवा के लिए पता होना चाहिए। इनफैक्ट थ्योरी की बात करूं आपसे तो थ्योरी में वेरी शॉर्ट नोट भी आता है कई बार, पैरेलल स्टडी डिज़ाइन या कॉन्करेंट स्टडी डिज़ाइन या क्रॉसओवर स्टडी डिज़ाइन में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं PG एंट्रेंस एग्जाम में वेरियस MCQs की बात करूं तो अलग अलग जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं आपके नोट्स में, हमारे PPT में सारे अंडरलाइन पार्ट वेरियस MCQs अलग अलग PG एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर यहाँ बात करें स्टेप्स में, तो ड्राइंग ऑफ प्रोटोकॉल ये आपको आया था कि कौन सी स्टेप ऑफ RCT में आता है कि नहीं आता है। उसके अलावा रैंडमाइजेशन में अलग अलग आए हुए हैं कि कंपैरेबिलिटी के लिए होता है, सिलेक्शन बायस के लिए होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल्स के लिए होता है, वैलिडिटी के लिए होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडमाइजेशन पे भी आपको MCQ आया हुआ है।
उसके अलावा क्रॉसओवर स्टडी में भी आपको एमसीक्यू आया हुआ है कि भाई बताओ कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के केसेस और कंट्रोल केसेस खुद ही अपने कंट्रोल होते हैं वो किस में होता है, तो वो क्रॉसओवर स्टडी डिज़ाइन में होता है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको एक्सपेरिमेंटल स्टडी और ख़ासकर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में पता ही होनी चाहिए।